जो है मायोकार्डिटिस पड़ेंगे, सही है। इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाए मायोकार्डियम में, सही है। पर हर इन्फ्लेमेशन जो मायोकार्डियम में हो रही है वो मायोकार्डिटिस नहीं है, वही वही मायोकार्डिटिस होता है जो जिसका प्राइम काज इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया आया और मायोकार्डियम में अटैक किया और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई, या वायरस की वजह से या टॉक्सिन की वजह से। अब सपोज करें आपके पास जो है ना कोरोनरी आर्टरी है, सही। कोरोनरी आर्टरी में अब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में जो है ना नेक्रोसिस हो गया है, सही है, ऑक्सीजन कम जा रही है, उसकी वजह से क्या होगा, इंजरी प्रोड्यूस हो रही है या इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब ये इन्फ्लेमेशन जो है मायोकार्डिटिस करवा रही है, तो ये मायोकार्डिटिस नहीं है, सही है, ये नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है, सही है, नॉर्मल डिजीज है। मायोकार्डिटिस वही होगा जिसका रीज़न जो है, कॉज जो है वो इन्फ्लेमेशन, सिर्फ इन्फ्लेमेशन हो जिसकी वजह से जो है मायोकार्डियम में डैमेज प्रोड्यूस हो, सही है। अब हम जो है कॉजेज ऑफ मायोकार्डिटिस पढ़ेंगे, सही है। इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं जैसे कि वायरस। अब वायरस कौन कौन से हो सकते हैं, कॉक्सैक्की वायरस, कॉक्सैक्की, इन्फ्लुएंजा, HIV, कॉक्सैक्की, इन्फ्लुएंजा और HIV, तीन वायरस होते हैं, सही है। अब जो वायरस है वो डायरेक्टली डैमेज कर सकता है और इनडायरेक्टली डैमेज कर सकता है। अगर सपोज करें वायरस जो है सेल के अंदर जा रहा है, सही है, सेल के अंदर चला गया और हमें टी सेल को पता चल गया कि भाई वायरस अंदर आ चुका है, तो वो टी सेल जो है उसी सेल को डैमेज कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली डैमेज था। और इनडायरेक्ट में ऐसा होता है कि भाई जो हमारे पास मायोकार्डियम जो होता है उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, किसके साथ, वायरस की प्रोटीन के साथ। तो हमें जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको लगता है कि ये भी वायरस अंदर आ चुका है, वो जो है मायोकार्डियल प्रोटीन को बिल्कुल सिमिलर समझते हैं, वायरस के प्रोटीन की तरह ही समझते हैं, सही है। तो वो जो है डैमेज कर देते हैं मायोकार्डियल सेल को और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करवाते हैं, सही है। ये हो गया, सही। PCR जो है डिटेक्ट कर सकता है कि भाई वायरस मायोकार्डियम में है या नहीं। और दूसरा होता है क्लैमाइडिया। क्लैमाइडिया में जो है ना, क्लैमाइडिया में जो है सिटेक्की होता है, सही। सिटेक्की जो है ना पैरट से आता है, कहाँ से आता है, पैरट से। अब जो नेक्स्ट होता है वो रिचेटिसिस, यार ये मुझे वर्ड नहीं आ रहा, पर ये रिचेटिसिस, सही, रिचेटिसिस टाइफी, ये जो है टाइफॉइड फीवर करवाता है, पर ये हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है, तो मायोकार्डिटिस करवाएगा, सही है। और जो बैक्टीरिया होता है वो कौन ही बैक्टीरिया, डिप्टेरी बैक्टीरिया जो होता है ना वो थ्रॉट में हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं या ओरल कैविटी में वहाँ पे जाके अटैच करता है, पर जो बैक्टीरिया वहाँ पे जो अटैच करता है हमारे माउथ ओरल कैविटी में वो जो है एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक्सोटॉक्सिन जो है ब्लड में जाते हैं, ब्लड से होते हुए मायोकार्डियम में जाते हैं, मायोकार्डियम में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे जो है कार्डियोटॉक्सिसिटी करवाते हैं, और न्यूरॉन्स में जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन्स में जाते हैं तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन भी करवाते हैं तो मायोकार्डिटिस भी करवाते हैं, सही है। तो ये कौन कौन से कॉजेज हो गए, इन्फेक्शियस कॉजेज जैसे कि वायरस, कॉक्सैक्की, इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV वायरस, सही है। और क्लैमाइडिया में कौन से है, सिटेक्की, सही है। और रिकेटिसिस, सही है, ये हो गया टाइफीस में। और दूसरा जो है कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्टेरी हो गया, सही है। और जो फंजाई होते हैं वो कैंडिडा स्पीशीज होते हैं, कैंडिडा मतलब इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं या बंदे होते हैं उनमें जो है कैंडिडा जो वेजाइना या माउथ के ओरल कैविटी में होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है वहाँ से मूव करके डायरेक्ट ब्रेन हार्ट में जा सकता है, तो वहाँ पे मायोकार्डिटिस प्रोड्यूस करवा सकता है, सही है। और दूसरा होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा, ट्रेपनोसोमा, ये चगास डिजीज करवाता है। चगास डिजीज इसमें क्या होता है कि भाई मेगाकोलन हो जाता है और मेगा इसोफेगस हो जाता है, सही है। और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है और मायोकार्डिटिस होता है, सही है। और ट्रेक्नोसिस जो है ना एक टिक जो बाइटिंग होती है ना, टिक की बाइटिंग होती है, तो वहाँ पे जो है ना वो कौन सा बैक्टीरिया जो होता है, बोरेलिया बैक्टीरिया होता है, वो जो है लाइम डिजीज करवाता है, वो टिक की बाइट से आता है। किसकी बाइट से, टिक बाइट से, सही है, लाइम डिजीज करवाता है। अब लाइम डिजीज में क्या होता है, अर्थ्रोमाइटस रिंग बनती है, एरिथमाइटस रिंग बन जाती है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स में कोई मसला हो जाता है, सही है। और क्रॉनिक अर्थराइटिस भी होती है, उसके साथ साथ मायोकार्डिटिस, सही है, चार है। अर्थमेटिक्स रिंग बनती है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन और क्रॉनिक अर्थराइटिस और मायोकार्डिटिस। और जो इम्यून मेडिटेड रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं वो मतलब कोई भी टॉक्सिन आ गया, कोई भी वायरस आ गया, कोई भी बैक्टीरिया आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि इम्यून सेल्स आएंगे। अब जो इम्यून सेल्स होंगे वो जो है कभी कभी जो है मायोकार्डियम को भी क्रॉस कर देंगे, मायोकार्डियम को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे रोमेटिक मायोकार्डिटिस प्रोड्यूस होगा या मायोकार्डिटिस या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सही है। और दूसरा जो है वायरल जो डिजीज़ होती है, ये वायरस के बाद जो है ना, वायरस आ गया ऐसा ही, उसके बाद कोई भी थोड़े से पैचेस बचे हों या थोड़ा सा भी प्रोटीन बचा हो तो वहाँ पे जो है सारा वो तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, क्योंकि इम्यून सेल्स होते हैं, सही है। और दूसरे अनोन कॉजेज हो सकते हैं, इडियोपैथिक कोई भी हो सकते हैं। और जाइंट सेल का आपको पता है, दो सेल की जो फ्यूजन होती है या 2-3 सेल्स की, जैसे प्लाज्मा सेल्स, इनकी जो है फ्यूजन होती है तो जाइंट सेल बनते, सही, उसकी वजह से मायोकार्डिटिस हो सकता है। और दूसरी ड्रग्स होती है जैसे कि एंटीबायोटिक्स या डायूरेटिक्स, इनकी वजह से भी मायोकार्डिटिस होता है, सही है। अब जो इन्फ्लेमेशन होती है वो फोकल हो सकती है और डिफ्यूज हो सकती है। फोकल में तो वही फोकल पेजेस मतलब कुछ जगहों पर होता है, सही, बाकी जो डिफ्यूज होता है वो बहुत ज़्यादा जगहों पे चले जाते हैं, सही है, बहुत डिफ्यूज हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाता है। अब इसमें जो है मायोकार्डियम जो होता है
हर्ट का वो लूज़ हो जाता है, फ्लबी हो जाता है, और जो कंट्रैक्टिलिटी है वो फेलियर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लूज़ हो जाता है मायोकार्डियम। जैसे लूज़ होगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे कंट्रैक्टिलिटी फेलियर होगा, कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हर्ट। और दूसरा होता है एरिदमिया हो सकता है, सही, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक डेथ हो सकती है, सही। और जो अंडर द माइक्रोस्कोप हमें कैसा नज़र आएगा, तो वहाँ पे जो है ना हमारे पास नेक्रोस्ड मायोसाइट्स में नज़र आएंगे, सही है, नेक्रोस्ड मायोसाइट्स नज़र आएंगे, और उसके अराउंड में मतलब नेक्रोस्ड मायोसाइट्स आ गए और उसके अराउंड में क्या हो गया, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे उसके अराउंड पे, सही है। तो हम पहचान जाएंगे कि भाई इसे मायोकार्डाइटिस है, क्योंकि यहाँ पे नेक्रोस्ड सेल्स भी हैं और इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी हैं। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, और क्रॉनिक में कौन से होते हैं, प्लाज्मा मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, सही है। अब जो पेशेंट आपके पास आएगा क्लिनिकली या क्या क्या प्रेजेंट करेगा, तो पेशेंट में जो है एरिथमियाज होंगे, और मायोकार्डाइटिस जो होगा वो कौन सा होगा, डिफ्यूज होगा, सही है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना उसकी लूज हो चुकी होगी, डायलेट हो चुकी होगी, उसका हर्ट डायलेट हो चुका होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं तो वेंट्रिकल्स में जैसे ही हर्ट फील होगा तो फिर क्या होगा, डायस्टोल के दौरान वहाँ पे S3 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड है, बहुत ज़्यादा डायलेटेड है, जो ब्लड आएगा तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, तो S3 हर्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, सही है। और रिग्रिटेशन भी हो सकती है, सही है, ज़्यादा ओपनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड जाएगा, सही है। और साइस्टोलिक रिग्रिटेशन मर्मर प्रोड्यूस होंगे, पर वो साइस्टोलिक, हमेशा याद रखना साइस्टोलिक प्रोड्यूस होते हैं, साइस्टोलिक रिग्रिटेशन मर्मर प्रोड्यूस होते हैं। और उसके अलावा सॉफ्ट S1 हर्ट साउंड, क्योंकि कंट्रैक्टिलिटी फेल्यूर हो रहा है तो उसकी वजह से जो है ना सॉफ्ट S1 हर्ट साउंड्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मायोकार्डाइटिस, बाकी मैं स्क्रीनशॉट आपको जो है लास्ट में जो है आपको कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आपकी मर्जी। आप ये सब नोट करना चाहें तो आप जैसे सही लगे, बाकी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है। इसके अलावा तो मैं अब वीडियोस शायद मैं क्वाइट कर दूँ, छोड़ दूँ मतलब अपलोड करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।